यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं, यीशु तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। तेरे प्यार ने मुझे ऐसा राह दिखाया, तेरे प्यार ने मुझे ऐसा किनारा तेरे प्यार को मैं कैसे बयां करूं। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रारंभ में पढ़ी गई पद परमेश्वर की आराधना के संबंध में स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह किया गया एक प्रस्ताव है। आप सभी उसकी भूमिका जानते हैं, इसलिए मैं भूमिका के बारे में कहना नहीं चाहता। प्रभु स्वयं ईश्वरीय अस्तित्व के दूसरा व्यक्ति तथा धरती पर परमेश्वर के एकमात्र पूर्णावतार होने के कारण परमेश्वर की आराधना के संबंध में आधिकारिक रूप में कहने लायक दूसरा कोई संसार में उनके पूर्व या उनके बाद में है भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आराधना के संबंध में प्रभु यीशु मसीह का यह प्रस्ताव अंतिम है, अर्थात अल्टीमेट है, और आगे कुछ भी कहने के लिए नहीं है। हमारा दायित्व वर्तमान में यह है कि प्रभु के इस प्रस्ताव को सही तरीके से समझे और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य एक आराधना अर्पण करे। इस पद में दो बार आत्मा शब्द का उपयोग किया है। पहले यह शब्द परमेश्वर का परिचय करते हुए दिया है कि परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। अंग्रेजी अनुवाद में स्पिरिट शब्द के लिए कैपिटल एस अथवा बड़ा एस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यह शब्द परमेश्वर को सूचित करता है। दूसरे बार आत्मा शब्द को हमारी अथवा मनुष्य की आत्मा को सूचित करने के लिए उपयोग किया है। अंग्रेजी अनुवाद में यह स्मॉल एस अथवा छोटा एस का इस्तेमाल किया है। प्राथमिक रूप में प्रभु यह बता रहा है कि परमेश्वर के लिए एक ग्रहण योग्य आराधना हम अपनी आत्मा से ही अर्पण कर सकते हैं। यद्यपि आराधना में भजन कीर्तन गीत आदि अवश्य होना तो चाहिए, परंतु हमें यह बात अवश्य मालूम होना चाहिए कि संगीत उपकरणों की मदद से गीत गाने की प्रतिभा रखने वाले गायकों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों से हमारे शरीरों में उत्पन्न भावुकताएं आराधना नहीं है। यद्यपि आराधना में भावुकताएं होती भी क्यों न हो, पर केवल भावुक होना आराधना नहीं है। यदि ऐसी बात है तो आत्मा से आराधना करने का अर्थ क्या है? आत्मा से आराधना करने का अर्थ यह है कि अपने पापों से पश्चाताप करते हुए अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के साथ मेल में लाते हुए परमेश्वर की आराधना करनी। यदि हमारे जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम नहीं बिता रहे हो, तो उद्धार प्राप्त किए हुए होकर भी परमेश्वर का आत्मा हमें शोकित या बुझी अवस्था में हो सकता है। इफिसियों 4:30, 5:19। परमेश्वर की ओर हमारा कोई भी काम, वो चाहे आराधना हो या प्रार्थना या फिर कोई अन्य काम, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंचा सकते हैं। यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा शोकित या बुझी अवस्था में हो, तो हमारा कोई भी काम, वो चाहे आराधना प्रार्थना कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमें उन सभी पापों से जो हम जानकर किए हो या फिर अनजान से पश्चाताप करके परमेश्वर के आत्मा के साथ मेल में आना है। यदि भाई बहनों के साथ हमारी संगति में दरार हो, तो हमें उनके साथ मेल मिलाप में आना है। यदि परिवार में पति के साथ या पत्नी के साथ हम मेल मिलाप में नहीं हो, तो आपस में माफी मांगते हुए जहां सुधार की आवश्यकता है सुधारते हुए मेल मिलाप में आना है। हमारे जीवन में किसी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता हो, सुधारना है। प्रभु की किसी आज्ञा का पालन करने में विलंब किया हो, तो विलंब किए बिना पालन करना है। तब हमारी आत्मा हमारे अंदर, अर्थात उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासियों के अंदर वास करने वाला परमेश्वर के आत्मा के साथ मेल में आएंगे। परमेश्वर के
आत्मा के साथ मेल में आने के बाद जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उनकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से हम चढ़ाने वाली आराधना को परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचा देता है। आत्मा से आराधना करने का अर्थ यही है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए और भाई बहनों के साथ मेल मिलाप में आते हुए अपने आत्माओं को तैयार करते हुए पवित्र आत्मा के साथ मेल में परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो वास्तव में हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात को प्रमाण दे रहा है कि हम ये अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे पापों के खातिर क्रूस पर चढ़ाया है और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान से हमें पापों से शिफा मिली है। कई लोगों को जो खुद को मसीही कहते हैं, प्रभु की आराधना करने में दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए आराधना एक बोरिंग अफेयर अथवा उबारू मामला। आराधना में उनको रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मेल में नहीं है। आज इस सप्ताह के प्रथम दिन अपने आप को परखने और वचनानुसार सुधारने और आत्मा से परमेश्वर के लिए एक आराधना का अर्पण करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। आमीन। तेरे प्यार।